शहरी क्षेत्र के रिहायशी इलाके बैंक कॉलोनी में नकाब पोश अपराधियों ने लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना रविवार रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच की है। सूचना के अनुसार नकाब पेश 7 से 8 की संख्या में अपराधी प्रोफेसर नंद कुमार केसरी के घर मेन दरवाजा काटकर खिड़की का ग्रिल उखाड़ कर घर के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद घर में मौजूद 3 लोगों को बंधक बना लिया। सबसे पहले अपराधियों ने प्रोफेसर के हाथ बांधे, इसके बाद दूसरे कमरे में जाकर उनकी मां और पत्नी के गले और हाथ में पहने हुए जेवरात लूट लिए। इसके बाद तीनों के हाथ पर बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद करीबन 45 मिनट तक लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की सूचना पर सोमवार को गुमला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। मौके पर पीड़ित परिवार ने बताया कि सभी अपराधी नकाबपोश थे और अलमीरा में रखे 40,000 नकद के अलावा करीब 7 लाख रुपए के जेवरात लूट कर फरार हो गए। सभी का उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच की है। पीड़ित के द्वारा अज्ञात के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस पूरे मामला की छानबीन में जुट गई है। पौश इलाके में डकैती की घटना के बाद आसपास के इलाकों में भय का माहौल है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। एक गृह डकैती की घटना जो है वो रिपोर्ट हुई है। अभी इसमें जो भी कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के बयान के आधार पर जो है हम लोग केस रजिस्टर कर रहे हैं और उसमें जो भी उनके द्वारा बताया गया है साक्ष्य, जो भी चीजें उन्होंने फेस की है, उन सभी बिंदुओं पर हम अनुसंधान कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी हम लोग जो ऐसे लोग जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। सर, इसमें जांच के लिए FSL टीम या फिर कोई डॉग स्क्वाड? FSL टीम जो है हम लोग अभी बुलवाए हैं और बाकी डॉग स्क्वाड भी हम लोग बुलवा रहे हैं। तो जो भी इसमें हम लोग कर सकते हैं, जो भी वैज्ञानिक तरीका है और तकनीकी जो भी अनुसंधान का तरीका और उसके बाद मानवीय जो भी आसूचना होती है वो सभी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और उसी सभी आधार पर जो है हम लोग इस कांड का उद्भेदन जल्द से जल्द कर देंगे। 2 से 2:30 बजे के बीच में 6-7 लोग मेरे कमरे में आ गए। अचानक मेरा मुंह बंद करने लगे। हम थोड़ा आवाज किए कोने कोने, तब तक लाइट जल रहा था, तब तक मेरा मुंह बंद कर दिया और बोला कि घर में कौन कौन है। फिर हमको उठा के माँ के कमरे में ले गया। माँ उठ के बैठी हुई थी, बाथरूम जाना चाह रही थी, उसको लोग अलाउ किया बाथरूम जाने का। फिर मेरी माँ के हाथ से जो कंगन पहनती है चूड़ी वो निकाल लिया, एक दूसरा हाथ का निकालने में थोड़ा सा तेजी से निकाला तो कट भी गया हाथ में। माँ का गले का चेन निकाल लिया और अलमीरा में कान का रखा हुआ था वो भी निकाल लिया। फिर ऊपर में वाइफ सोई हुई थी उनके पास ले गया, उनको उठा के हम लाए। फिर हम लोग दोनों का हाथ पैर बांध दिया और अलमीरा का चाबी मांगा, चाबी हमने दे दिया उसको। अलमीरा खोल के उसमें, इसके पहले ऊपर जब गया था तो वाइफ के हाथ से 2 जोड़ा कंगन जो हाथ में पहनी हुई थी उसको काट के निकाल लिया, गला से चेन निकाल लिया। फिर नीचे आकर हम लोग का हाथ पैर बांध दिया और बोला कि चुपचाप आप लोग लेट जाइए और लिटा दिया और अलमीरा का चाबी लेके अलमीरा खोल लिया। अलमीरा में लगभग 40,000 के लगभग कैश था, एक बैग में रखा हुआ था वो निकाल लिया। आभूषण कितना के लिए लगभग? आभूषण लगभग 6.5-7 लाख का होगा जरूर, सारा चीज मिला के। कितने बजे रात में घुसा था ये? 2 से मतलब हमको लगता है 3:15 के बीच में ये काम हुआ है। कैसे घुसा था घर में? घर में उस समय तो हम लोग देख नहीं पाए कि अचानक कैसे आ गया इतना लोग। बाद में देखे तो कि ये दरवाजा का सब कुछ खुला हुआ है, टूटा हुआ है, ताला नहीं है उसमें, बाहर का गेट है। बाद में ध्यान गया तो कमरे के खिड़की का ग्रिल भी निकला हुआ दिखाई पड़ा, तो हम लोग समझे कि उसी ग्रिल से सब घुस के आ गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।